तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगी कि हम आपके लिए और भी वीडियोस बना पाएं। तो दोस्तों अगर आपका कोई सुझाव है या फिर आप किसी और मूवी कास्टिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। मेरे इस नाटक का क्या होगा? अरे नाटक क्या साल में? सुनो जी, पब्लिक तो मुझे चीर फाड़ काट काट कर लगा रही है। जानकी दास मेहरा, इनका जन्म पाकिस्तान के लाहौर में 1910 में हुआ था। इनकी मृत्यु मुंबई के जू में 18 जून 2003 में हुई थी। इनके बच्चों का नाम शानू मेहरा और शानू जानकी दास है। जी हाँ, आप ही ने तो कहा था मालिश करने को। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। अजय कुमार जी, आप क्या जाने, 2-3 महीने से जहाँ किसी जवान लड़की का पता चला मैं वहीं पहुँच गया, मगर बहुत दिनों के बाद अब आशा की किरण नजर आई है। कहाँ नजर आई? सुंदर, इनका जन्म पाकिस्तान के लाहौर में 14 मार्च 1908 में हुआ था। इनकी मृत्यु मुंबई में 5 मार्च 1992 में हुई थी। तू क्यों आंखें भिगोता है बेटा? तेरे मामा की अकल पर कोई आज पर्दा नहीं पड़ा। उनके लक्षण तो पहले ही से ऐसे थे, लेकिन शाबाश है तुझको। उनका रिश्ता तुझसे तेरे मामा का है, लेकिन साथ तूने हमेशा अपनी मामी का। दुलारी, इनका जन्म नागपुर में 18 अप्रैल 1928 में हुआ था। इनकी मृत्यु पुणे में 18 जनवरी 2013 में हुई थी। इनके जीवन साथी की बात की जाए तो इनके पति का नाम जेबी जगताप है। इनका दूसरा नाम राज दुलारी और अंबिका जगताप है। इनके बच्चों का नाम चारुलता जगताप है। अरे अरे, एक डायलॉग ठीक से नहीं बोल पाता। मैनू माफ करी पापे, मैं भूल गया थी। भूल गया थी? राजकिशोर, इनका जन्म 1933 में हुआ था। इनकी मृत्यु मुंबई के गोरेगांव में 6 अप्रैल 2018 में हुई थी। इनके जीवन साथी की बात की जाए तो इनकी पत्नी का नाम लीजा किशोर है। इनका एक बच्चा है। अरे भोले, तेरी प्रीत का तो तांडव नृत्य हो गया है। तू जिस कोन्ना से मोहब्बत करता है वो तो किसी नचाइये के साथ रासलीला कर रही है। ये लॉयला अपना प्यारे प्यारे मोंजू को, मजनू को जंगल जंगल में पुकारता है। कैशतो मुखर्जी, इनका जन्म मुंबई में 7 अगस्त 1925 में हुआ था। इनकी मृत्यु मुंबई में 2 मार्च 1982 में हुई थी। इनके बच्चों का नाम बबलू मुखर्जी है। शाबाश रे, शाबाश रे। आखिर तुम बेटी किसकी हो? बेटे, आज तक तुम्हारे बाप को भी किसी शतरंज में मात नहीं। जिसने तुम्हें जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। सच? 25 साल से तुम जैसी औरत से निभा रहा हूँ, क्या कम कमाल है? आगा, इनका जन्म पुणे में 21 मार्च 1914 में हुआ था। इनकी मृत्यु पुणे में 30 अप्रैल 1922 में हुई थी। इनके बच्चों का नाम जलाल आगा, शहनाज भानवती और आगा अहमद है। इनके ग्रैंड चिल्ड्रन का नाम सलीम, क्रिस्टोफर आगा भी और वेनेसा पोरस्टीन है। ये सोच ले कि तू इस वक्त अर्जुन है और कृष्ण भगवान गुरु, जो तुझे कर्म की दीक्षा दे रहे हैं। ऐसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण के कहने पर अपने भाइयों और नातेदारों पर बाण चलाए। मुकरी, इनका जन्म अलीबाग में 5 जनवरी 1922 में हुआ था। इनकी मृत्यु मुंबई में 4 सितंबर 2000 में हुई थी। इनका पूरा नाम मोहम्मद उमर मुकरी है। इनके जीवन साथी की बात की जाए तो इनकी पत्नी का नाम मुमताज मुकरी है। इनके बच्चों का नाम नसीम मुकरी, नासिर मुकरी, अमीना मुकरी, बिलाल मुकरी और फारूक मुकरी है। कर रहे हैं हम तो उस पत्नी की बात कर रहे हैं जिसका रिश्ता तुम लेकर आए हो। कहो, हमारे लिए कोई लड़की देखी? हमारा भी जवाब नहीं, हमारा भांजा घर में है। देखो हम ऐसा करते हैं, उसे निपटा कर फिर यहाँ आते हैं। ओम प्रकाश, इनका जन्म जम्मू में 19 दिसंबर 1919 में हुआ था। इनकी मृत्यु 21 फरवरी 1998 में लीलावती हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुंबई में हुई थी। इनकी जीवन साथी की बात की जाए तो इनकी पत्नी का नाम प्रभा छिब्बर है। इनके भाई बहन का नाम पच्छी है। शतरंज की बाजी तो तुम हमेशा ही जीतते हो, कभी ग्रस्त की बाजी भी तो जीत के दिखाओ। ना तुम कभी सुधरे हो ना सुधरोगे। अच्छा, ऐसा मजाक की बातें छोड़ो और इसकी शादी की चिंता करो। शादी की देखते नहीं दिन ब दिन बिजली का खंभा होती जा रही है।
मालूम होता कि तुम मेरी प्यार की खातिर अपनी जान दे दोगे तो मैं ऐसा कभी कभी ना करती। बोलो मैं तो इशारे जिद में आकर कर रही थी। तायरा बानो, इनका जन्म मसूरी में 23 अगस्त 1944 में हुआ था। इनकी आयु 77 वर्ष है। इनके जीवन साथी की बात की जाए तो इनके पति का नाम दिलीप कुमार है। इन्होंने टीवी शो हमारी बेटी राज करेगी और आखिरी दांव में काम किया था। इनके माता पिता का नाम नसीम बानो और मियां एहसान उल हक है। इनके भाई बहन का नाम सुल्तान अहमद है। बोले गुरु, सोच ले, अच्छी तरह सोच ले, तेरे सामने सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो तू बिंदु को चाटा मार या हमारी तेरी दोस्ती खत्म। क्यों बंधु? मेरे गुरुजी है ना, उन्होंने मुझे कहा है सिवाय घर के किसी दरिया के किनारे या किसी बाग में या किसी झाड़ के नीचे कभी गाना नहीं गाना, नहीं तो तेरा गला बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अच्छा। हाँ, अगर आप चाहती हैं। सुनील दत्त, इनका जन्म पाकिस्तान के झेलम में 6 जून 1929 में हुआ था। इनकी मृत्यु मुंबई के बांद्रा पश्चिम में 25 मई 2005 में हुई थी। इनके जीवन साथी की बात की जाए तो इनकी पत्नी का नाम नरगिस है। इनके बच्चों का नाम संजय दत्त, प्रिया दत्त और नर्मदा दत्त है। एक दिन हम तुमको खाना खाने के लिए घर पर बुलाया था ना, तो तुमने हमको बोला मास्टर जी हमको आप डांस सिखाना, फिर तुम्हें एक गाना गाया। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे बेल आइकन को क्लिक कर लें जिससे आपको बैक टू बैक अपडेट सारी मिलती रहे। और साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।